अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक धरती को महकाए। आज की हमारी काव्य है धरती को महकाए। पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, प्रकृति के तत्व यानी कुदरत के जो तत्व है फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है, यानी फूल के बारे में क्या कहा गया है कि फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता है। सूरज जो है वो रोज सुबह निकलकर पूरे जग में प्रकाश फैलाने का काम करता है। और दीपक खुद जलकर, दीपक यानी दिया जो है, दिया खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम काव्य देखेंगे और काव्य में जो फूल, सूरज और दीपक के बारे में कहा गया है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। बगिया का मीनिंग क्या होता है? छोटा बगीचा। देखो यहाँ पे फोटो में दिया हुआ है, बगिया यानी छोटा बगीचा। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। फूल का समानार्थी शब्द होगा पुष्प। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। आंधी का मतलब होता है धूल भरी जोर की हवा, उसको बोलेंगे आंधी। पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं, यानी सबको हंस कर सह लेते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। सूरज जो है उसकी किरणें रोज धरा पर आती है, धरा यानी भूमि, पृथ्वी पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। अंधकार यानी अंधेरे को दूर भगाकर, जग का मीनिंग क्या होगा? जग यानी दुनिया, ठीक है। जग को क्या करती है? जग को चमकाती है। अब इसका मीनिंग क्या होगा इस काव्य पंक्ति का? बगिया के फूलों को देखो वे हमेशा खुश रहते हैं, चाहे आंधी आए या बारिश, वे सबको हंस कर सहते हैं। नेक्स्ट वन, दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। दीपक का मतलब होता है दिया, दीप हरदम यानी हमेशा जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर, अंतर यानी अपना हृदय, दिल जला जला कर रोशन जग को करता है। जग यानी हमने देखा आगे दुनिया, रोशन यानी प्रकाशित करना, प्रख्यात करना। दीपक को देखो कैसे ये हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है, ठीक है। दीपक को देखो वो हरदम कैसे जलता रहता है, अपना हृदय जलाता है लेकिन दुनिया को उजाला देता है। नेक्स्ट वन, आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। यानी रोशन, रोशन करने का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है रोशन। रोशन का मतलब होता है प्रकाशित करना, प्रख्यात करना। अब यहाँ हमें क्या बोला? इंसान, इंसान यानी इंसान, मनुष्य। आओ हम भी इंसान बनकर यानी मनुष्य बनकर जग में अपना नाम करें, अच्छे सच्चे यानी अच्छे काम करें, सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए, महकाए यानी सुगंधित करना। इसमें क्या कहा है कि आओ हम भी इंसान बने और संसार में अपना नाम रोशन करें, अपना यश फैलाए, हम अच्छे अच्छे काम करें, हमारे अच्छे कामों से यह धरती सुंदर एवं सुगंधित बनाए।
अब यहाँ पे रोशन करना है, रोशन करने का अर्थ क्या होगा, प्रकाशित करना। अभी हमें इसे वाक्य में प्रयोग करना हो तो हम क्या कहेंगे, दीपक अपना अपने प्रकाश से घर को रोशन करता है। नेक्स्ट वन है इंसा बनना। इंसा बनना यानी अच्छा आदमी बनना, अच्छे काम करके ही हम इंसान बन सकते हैं। नाम कमाने का मतलब क्या होगा, यश पाना। इसको वाक्य में प्रयोग करना हो तो हम क्या बोलेंगे, गांधी जी ने दुनिया में नाम कमाया। तो यहाँ पे हमारी ये जो काव्या है धरती को महकाए, उसे हमने भावार्थ के साथ यहाँ पे कंप्लीट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।